हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रसायन, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद, अभ्य अमल की रसायन। स्टार्ट करती हैं इसको। इसमें हमें श्लोक करना है, चिकित्स्य व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रश्मणम प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, क्या बोल रखे हैं, चिकित्स्य मतलब कि आपको पहले याद रखना है कि जैसे चिकित्सा है उस चिकित्सा किसकी करेंगे, व्याधि की। पथ्य कहेंगे उसको, पथ्य खाना एक साधन है। ठीक है, औषध देंगे, प्रायश्चित करेगा, फिर प्रश्मन, फिर प्रकृति स्थापन हितम हो जाएगा। ये श्लोक आपको इम्पोर्टेंट है, याद करना है। फिर आता है आपके पास भेषज के पर्याय, यही है हमने जो पढ़े हैं। नेक्स्ट है भेषज के दो प्रकार। जो दो प्रकार हैं भेषज के वो क्या हैं, एक क्या है, वही कि स्वस्थ पुरुष को ठीक रखना और रोग के भाविक को, रोग को दूर करना। नेक्स्ट आता है अभेषज के दो प्रकार। जो अभेषज है वो क्या है, भादन और स अनुबंध। क्या है, भादन और स अनुबंध। भादन क्या है, जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे और अल्प उपद्रव वाला होता है उसे भादन कहते हैं, और सानुबंध क्या है, जो कालांतर उत्पन्न होता है वो सानुबंध होता है। उसके बाद है रसायन वाजिकरण। रसायन वाजिकरण में आपको याद रखना है, रसायन क्या होता है, जो आपकी ऊर्ज को बढ़ाने वाला होता है वो आपका रसायन होता है। वाजिकरण तो आपको पता ही होगा, जो वृष्य को बढ़ाता है वो वाजिकरण होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रसायन के गुण। तो आपको ये वाली जो लाइन है ये आपको याद करनी है, क्या है, लाभो पायो ही शस्ता नाम रसादि नाम रसायनम। ठीक है, मतलब कि क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे, ये वाली आपको याद रखनी है, क्या है, उत्तम रसादि धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है उसे रसायन कहते हैं। उसके बाद आता है वृष्य का। तो वाजिकरण की परिभाषा, इसमें तो इतना कुछ समझ नहीं आएगा, विमर्श में से मैं आपको कराती हूँ। वाजिकरण क्या है, जो व्यक्ति जिसमें मतलब शुक्र क्षीण हो जाता है, तो शुक्र को इंक्रीज करने का जो होता है, शुक्र उत्पन्न करता है, जो उसे वाजिकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है द्वितीय रसायन प्रकरण। द्वितीय रसायन प्रकरण में क्या है आपके पास, देखो इसमें आपको दो है ना, तो कूटी प्रावेशिक और वात आत्विक होता है। तो आपको पता होगा रसायन को ज्यादा उत्तम मानते हैं, क्यों, रसायन में होता है सात्विक गुण। ठीक है, और वाजिकरण को राजस गुण होता है, इस कारण से इतना श्रेष्ठ नहीं मानते। कुटी प्रावेशिक होता है इंडोर मैनेजमेंट और वातात्विक होती है आउटडोर मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद आता है कुटी प्रावेश निर्माण करने की विधि और उसका स्थान। तो देखिए जरा आपको इसमें क्या याद रखना है कुटी प्रावेशिक वाले में, कि आपको पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, त्रिगर्भ होना चाहिए, मतलब एक घर के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा घर होना चाहिए। छोटे छोटे जरों की हों, कुटी की जो दीवारें होती हैं मोटी होनी चाहिए, हर एक ऋतु में सुक्कर होती है, सुक्कर होनी चाहिए, मन के अनुकूल हो, आपको ऐसी याद रखनी है। फिर आता है कुटी में प्रयोग, कुटी में प्रवेश करने की विधि, कैसा होना चाहिए, शुक्ल नक्षत्र का होना चाहिए आपको ऐसा। हाँ, रसायन प्रयोग में पहले शोधन क्या करना है आपको, पहले आपको संशोधन, भवन विरेचन, स्थापन, शिरो विरेचन, ये सब करवा के पूर्ण बल हो जाए, जब अच्छी तरह आपके अंदर बल हो जाए तब आपको रसायन का सेवन करना है। उसके बाद आता है संशोधन औषधि या फिर हरित आदि चूर्ण, आप बोल सकते हो। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, हरित की का चूर्ण होगा, सेंधव लवण होगा, आंवला, गुड़, मीठा वच, वायुविडंग, हरिद्रा, पीपर, सूंठ, सब मात्रा में लेनी है। कैसे याद रखोगे, चूर्ण है, चूर्ण में नमक डाल लिया, ठीक है, हरित की और अम्ल की है, नमक डाल लिया, कुछ मीठा डाल लिया, मतलब गुड़ और मीठा बच हो गया, हरिद्रा, पीपर और सूंठ डाल ली, सब भाग में इनको डालकर स्नेह स्वेदन कराने के बाद गर्म जल से इसको देना है एक तोले की मात्रा में, आपको याद रखना है। ठीक है, और हीन वाले को 3 दिन, मध्य वाले को 5 दिन, उत्तम वाले को 7 दिन तक घी से संस्कारित पुराने जौ का यवागू खाने को देना है। उसके बाद है हरितकी का गुण। हरितकी क्या है, पंच रसम उष्णम अम्लम लवणम। तो लवण रस को छोड़कर मधुर अम्ल सारे रस होते हैं इसके अंदर, कौन से लवण रस को छोड़कर, लवण रस को छोड़कर, दोष अनुनोमनी है, ठीक है, और दीपन पाचन करती है, और समृति मोह प्रमोह च ज्येष्ठ शीघ्र हरित की, स्मरण शक्ति, बुद्धि
के व्यमोह को ही हरित की शीघ्र ही करती है, दूर कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद करना है, हरित की सेवन से अयोग्य व्यक्ति किसको नहीं करना, अजीर्ण में, रुक्ष भोजन में, अधिक मैथुन, अधिक मदिरा पान, विष सेवन से, मतलब कि जिन्होंने विष सेवन कर रखा है और उनका शरीर कृश हो गया है, भूख प्यास वाले को नहीं करना। गुण कर्म क्या है हरित की आंवले के, हरित की में जो गुण कर्म बताए हैं वही आंवले के होते हैं, किंतु वीर्य में विपरीत होते हैं। आपको पता होगा आपके जो आंवला होता है वो शीत होता है और हरित की उष्ण होती है। उसके बाद है हरित की और अम्ल की विषक उपसरण, मतलब दोनों का देखते हैं, तो यहाँ पे शस्यानी लिखा है, शस्यानी मतलब बीज रहित होता है। हरित की और आंवले के बीज रहित फल का प्रयोग इन कामों के अनुसार अमृत के तुल्य होता है। ठीक है, हिमालय वाली उत्सृष्ट होती हैं, आपको पता होगी कि वो मतलब हिमालय वाली जो औषधि होती है वो अच्छी होती हैं, ठीक है, शीत वाली होती हैं, और जो विंध्य पर्वत की होती है वो आग्नेय गुण की होती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रथम ब्रह्म रसायन। प्रथम ब्रह्म रसायन में क्या है आपको याद रखना है, इसके अंदर पांचों पंचमूल आएंगे, पांचों पंचमूल को अलग अलग 10-10 पल होगा, क्योंकि एक को क्या करना है, दो पल लेना है। तो हरित की आपको याद रखनी है पहले में, हरित की जो है वो 1000 है और नए आंवले 3000 है, 1:3 यू हैव टू बी लर्न दैट। और इसके अंदर अब मैंने बोला ना पांच पंचमूल, तो पांच कौन से हैं, लघु पंचमूल, बृहित पंचमूल, लघु बृहित, ठीक है, मुदक पढ़ने और मांस पढ़ने वाले ये आ जाएंगे, पुनर्नवा पंचमूल आएगा, जीवनीय पंचमूल आ जाता है, और तृण पंचमूल आता है, लघु बृहित पुनर्नवा जीवनीय और तृण पंचमूल आता है। ठीक है, आपको कितने लेने हैं, दो दो पल लेने हैं। आपको बताया था 1000 हरित की लेनी है, 3000 आपको आंवले लेने हैं, तो 10 गुना जल में क्वाथ बनाना है, 1/10 रह जाए, तो इनकी गुठलियां निकाल कर अलग कर लेना है। मिश्री इसमें 1100 पल, कितनी 1100 पल लेनी है। तिल 2 अढ़क, गाय का घी 3 अढ़क, घी 3 लेना है, तिल तैल 2 ही अक्षर हैं, 2 अढ़क लेना है। ठीक है, फिर स्नेहे घृत और तेल के आधे भाग, 2.5 अढ़क मधु लेना है। आपको पता होगा 2 और 3 5 होते हैं, तो 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 होता है, तो इसमें मधु मिलाना है, ठंडा करके डालते हैं हम। ठीक है, उसको कितनी मात्रा में सेवन करना है, जिसमें भोजन की मात्रा में रुकावट ना आए, और जब औषध पच जाए तो इसमें पत्थर में शाठी का भात और दूध खाना है, याद रखना है आपको। उसके बाद आते हैं हमारे पास द्वितीय ब्रह्म रसायन। द्वितीय ब्रह्म रसायन में क्या होगा, श्रेष्ठ आंवले 1000 लेने हैं, यहाँ आंवले कितने लेने हैं, 1000। ठीक है, इनको पिष्ट स्वेदन यंत्र आदि विधि से दूध में वाष्प के, मतलब उबाल लेना है, दूध में उबाल लेना है, गुठली निकाल लेनी है, फिर छाया में सुखाकर चूर्ण कर लेना है। उसके बाद 1000 उत्तम आंवले के स्वरस से इस चूर्ण को भावित करना है। ठीक है, उसके बाद पुनर्नवा, नागबला, ये सब 22 औषधियाँ हैं, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये कर लेना कि 22 औषधियाँ होती हैं, इनके समान भाग इनका चूर्ण बनाकर आंवले के चूर्ण में मिला दें। ठीक है, उसके बाद इस चूर्ण से, आंवले के चूर्ण से 1/8 था, आपको ये 22 चूर्ण का मिलाना है। इस चूर्ण को 1000 पल नागबला, गंगरेन लिखा है तो नागबला के स्वर से भावित कर छाया में सुखाकर 2 गुनी मात्रा में गाय का घी मधु मिलाकर राब की आकृति का चूर्ण बनाकर घी में भावित कर आपको क्या करना है, मिट्टी के बर्तन में रखकर ढक्कन लगाकर रख देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रवाल, उत्तम लोहे का चूर्ण, इन सब की चूर्ण मिलाकर 1/8 मिलाकर सुरक्षित रख लें। उसके बाद क्या करना है, बाद में कुटु प्रवेशक विधि के अनुसार आपको प्रतिदिन प्रातःकाल 1 तोले से सेवन करना शुरू करना है, क्षण क्षण 1-1 तोला बढ़ाना है, जितने से भोजन में रुकावट ना आए। और बाद में वही है दूध और घी, यहाँ पे अलग आया घी, ठीक है, शाटे के बाद तो वहाँ पे भी था, दूध भी था, यहाँ पे घी अलग आया है। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्म रसायन से क्या लाभ मिलते हैं, रोग रहित होता है, दीर्घ आयु आती है, महाबलवान होता है। ठीक है, और वही है जो सुनते हो एकदम याद हो जाता है, और रजतम से मुक्त हो जाते हो, पर्वत के समान लो, मतलब पर्वत का सार लो, दृढ़ बन जाते हो। उसके बाद है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में क्या आता है, आपको ये इतने सारे जो द्रव्य 36 क्वाथ द्रव्य होते हैं देख लेना आप, प्रत्येक को 1-1 पल लेना है और 1 द्रोण जल में डालकर क्वाथ बना लेना है, 500 ताजे आंवले को ले लेना है, गुठली वगैरह निकाल कर छान कर, मतलब अच्छे से रेशे वगैरह निकाल कर, 6 पल घी, 6 पल तिल का तेल, इन सब में डालकर, उसके बाद इसमें 50 पल खांड मिलानी है, मंद आंच पर पका देना है,
और फिर मधु मिला देना है। मधु कितना जाएगा यहाँ पे, 6 पल ही मधु जाएगा, ठीक है। 4 पल वंशलोचन, 2 पल पिपली, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, नागकेसर, 1-1 पल मिलाना है। मिलाकर कपड़ छान कर चूर्ण को डाल देना है और च्यवनप्राश तैयार हो जाएगा। च्यवनप्राश के गुण क्या हैं आपको पता हो अगर, शतशयन में भी और बालक के लिए, अंगों के लिए, अंगों को बढ़ाने के लिए, रक्त धातुओं को बढ़ाने के लिए ये फायदेमंद है, ठीक है जी। और इस च्यवनप्राश का की मात्रा बल के अनुसार खिलानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना है अमलक रसायन। अमलक रसायन 4 रसायन होते हैं, चाहे अमल के विविध की, विविध की हरित की और हरित की अमल की, या फिर तीनों इकट्ठे हों ये, ठीक है। कोई भी ले लो, उसको गीली प्लास्टर के छाल में बांध लेना है, मतलब चारों तरफ से गीली प्लास्टर पेट देना है, उसके ऊपर 1 अंगुल मोटी मिट्टी लगा देनी है, छाया में सुखा दें, फिर उसको वही है ना कि आग में उसको तीव्र आग में, मतलब तीव्र नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, उसको डाल देना है। जब वो लाल हो जाए ना तो उसको मिट्टी को हटाकर, आंवले स्वीन हो जाएंगे तो उसको गुठली से निकाल कर, यदि तौल में आंवले हरे 1000 पल हों तो ओखली में रखकर आपको दही घी मधु तिल कल्क तिल का तेल चीनी मिलाकर कुटी प्रवेशक विधि से सेवन करना चाहिए। और इसमें अन्न का सेवन नहीं करना, दूध का सेवन करना है, और भोजन के समय घी के साथ शाठी के बाल मूंग का यूज याद रखना है, यहाँ पे मूंग का यूज, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास हरित के आदि रसायन। हरित के आदि रसायन में क्या है, आमल की, विविध की, हरित की, पांचों पंचमूल हैं। इनके क्वाथ में पिपली, महुआ, काकोली, शीर काकोली, जीवक, ऋषभक, इतना याद करने के बाद गाय के दूध में मिलाकर गाय का घी 1 कुंभ पकाएं। ऊपर वही है, इसके अंदर शाठी का चावल, दूध, ये सब बाद में ऊपर से गर्म जल पी लें, इतना ही करना है। हरित के आदि द्वितीय योग है। फिर ये आंवले के स्वरस में 100 बार भावित आंवला चूर्ण, देखो आंवले का स्वरस है, वैसे यहाँ कहने में हरित क्यादि योग है, आंवले का स्वरस लेना है और आपको 100 बार उसी में भावित करना है चूर्ण को। इस चूर्ण में 1/4 शुद्ध लोह चूर्ण मिला लेना है, हाँ अमल की, विविध की, हरित की, ये सब चीज़ें डालकर दूध से निकाला गया जो घी है, मधु, चीनी मिलाकर 1 कर्ष की मात्रा में प्रतिदिन प्रातःकाल खाना है। 3 दिन खाने से, 3 वर्ष खाने से पुरुष क्या होता है, वृद्ध अवस्था से मुक्त हो जाता है, 100 वर्ष तक जीता है। रसायन का महत्व क्या है कि देवताओं के लिए अमृत, नागों के लिए सुधा होती है, और महर्षि के लिए रसायन विधि का सेवन करना चाहिए। उसके बाद हमारा ये खत्म हो गया, और इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो है बाबा आमलों का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया। बस ये ब्रह्म रसायन है, द्वितीय ब्रह्म रसायन, आमलक रसायन है, च्यवनप्राश है, हरित के रसायन, द्वितीय हरित के रसायन है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर का। सेकेंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं उसके बाद।